स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को लोकनायक अस्पताल में नए जच्चा बच्चा कोविड वार्ड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जी हां, इस दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि 100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड वाले इस वार्ड का निर्माण 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नया जच्चा बच्चा वार्ड ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू जैसी सभी चिकित्सा सुविधाओं से लैस होगा। आपको बताएं, सत्येंद्र जैन ने आगे बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था द्वारा गठित एक पैनल ने हाल ही में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें अक्टूबर के मध्य से तीसरी लहर के आने और बच्चों के ऊपर ज्यादा असर होने की आशंका जताई गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों के उपचार की क्षमता को बढ़ा रही है, क्योंकि बच्चों का टीका अभी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इसीलिए सरकार संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए विशेष इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा पूरा ध्यान बच्चों और बड़े लोगों को बेहतर उपचार मुहैया कराना होगा। निरीक्षण के समय स्वास्थ्य मंत्री के साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल, अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार, आपातकालीन विभाग की उप अधीक्षक डॉक्टर ऋतु सक्सेना, अन्य डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद थे। इस बीच सत्येंद्र जैन ने मेडिकल स्टाफ, मरीजों और डॉक्टरों से भी बात की, उनके सुझावों और जरूरतों पर भी ध्यान दिया। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।